का और बात करेंगे यूसुफ पठान की। यूसुफ पठान की आंधी एक बार फिर आई है टी10 लीग में। टी10 लीग जो जिम्बाब्वे में खेली जा रही है, कल एक मुकाबला खेला गया और यूसुफ पठान ने उसमें सामने वाली टीम से खेल रहे मोहम्मद आमिर की इतनी जमकर कुटाई करी, या कह लीजिए इतनी बुरी तरह कुटाई करी कि मतलब जिसे बोले कि यार उनको मतलब अब ये होगा कि यार मैं आगे क्या नाम फ्यूचर में बॉलिंग करूंगा क्या, मेरा वो सोचने पे ये मजबूर हो गए होंगे कि क्या मेरा करियर बचा भी है अब, क्योंकि दो ओवर में उन्होंने 42 रन खाए हैं 21 की इकोनॉमी से और इतनी बुरी पिटाई। तो यार मतलब टी10 लीग में आप हो जाए और यूसुफ पठान ने 26 गेंदों में 80 रन बनाए और एक ओवर में 24 रन यूसुफ पठान ने मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी पर जड़े हैं, तो मतलब और एक बॉल रहते ये मुकाबला यूसुफ पठान की टीम जिसे बोले कि जो वर्ग ने मुकाबला जीत लिया है। और जिस तरीके से करें मोहम्मद आमिर की बात करें, यार इनको बड़ी बड़ी बातें तो बहुत ज्यादा ये करते हैं कि मुझे पाकिस्तान से खेलना है, ये करना है, वो करना है। अब आप क्या ही बोले, क्या शब्दों का प्रयोग करें कि आपकी जो पाकिस्तान की टीम है आपको क्यों नहीं खिलाती। दुनिया जानती है आपने अपने देश के साथ क्या किया, आपने अपने देश के साथ गद्दारी करी, जिसके बाद आप इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड की नागरिकता लेके अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं आईपीएल खेलूंगा। तो भाई ये मोहम्मद आमिर की हो सकता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी हो। वैसे तो उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन ये जो सोच रहे हैं कि मैं इंग्लैंड की नागरिकता लेके आईपीएल खेल लूंगा, इंडिया आ जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पहले तो भाई आप ये जो लीग खेल रहे हैं इसमें तो खेल लीजिए। आप इस तरीके की बॉलिंग करेंगे जिस तरीके से जैसे बोलते हैं गली क्रिकेट में होता है, गली क्रिकेट में के बच्चे भी शायद आपसे अच्छी बॉलिंग वो कर लेंगे। और यूसुफ पठान ने एक बार फिर दिखाया है कि भाई मैंने संन्यास तो ले लिया है लेकिन बैटिंग नहीं भूला, और बैटिंग ऐसे जबरदस्त करी है और नंबर चार पर वो आए हैं अपनी टीम के लिए और उसके बावजूद नॉट आउट होकर 26 गेंदों में 80 रन की ताबड़तोड़ उन्होंने पारी खेली। और मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पर अब सवाल ये होंगे कि भाई उनको बॉलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आगे उनका फ्यूचर है भी। अब सपने में तो उनको क्या नाम यूसुफ पठान अब बार बार आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मारा है मोहम्मद आमिर को देखने वाली बात होगी। और अगर आप उस मैच की हाईलाइट देख ले तो आप ये बोलेंगे कि मोहम्मद आमिर को क्रिकेटर किसने बना दिया, ये कहां से क्रिकेट खेलने लगे, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट कब खेल लिया, आपके मन में ऐसे सवाल आएंगे। जिस तरीके से धुनाई हुई है ना यूसुफ पठान ने जो मारा है उनको, वर्ल्ड कप चैंपियन जो हमारे यूसुफ पठान है वो संन्यास जरूर ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से अभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं टी20 क्रिकेट जो जिम्बाब्वे में चल रही है, भाई उनकी आंधी जैसे बोले कि आंधी आई हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। अपनी टीम के लिए जबरदस्त इनिंग उन्होंने वहां पे खेली है, 26 गेंदों में 80 रन की ताबड़तोड़ जैसे बोले कि मैच विनिंग नॉक वहां पे यूसुफ पठान ने खेली। और मोहम्मद आमिर को बताया कि भाई आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा, और आप ये बड़े बड़े सपने देख रहे हो कि हम आईपीएल खेल लेंगे, मैं इंग्लैंड की तरफ से सिटीजनशिप लेके दूसरा पासपोर्ट बना के मैं आईपीएल खेल लूंगा, तो भाई आपकी सबसे बड़ी गलती है। पहली बात तो आपको इंडिया अलाउ नहीं करेगा, फिर ठीक है जो भी टेक्निकलिटीज हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो भाई आप रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। और आप मतलब मेरी राय तो यह है कि आप ना ही आप पाकिस्तान के लिए उस तरीके से खेल पाएंगे अब दोबारा, और ना ही मुझे लगता है आईपीएल में आपका कोई चांस होगा। आप इधर उधर खेलिए 10-5 ओवर के गेम जो